आरएमएल अस्पताल में एक संस्था मरीजों और उनके रिश्तेदारों को मुफ्त में भोजन बांट रही है। हर दिन यहां 300 जरूरतमंदों को लंच दिया जाता है और मौके पर हमारे सहयोगी अभिषेक दुबे की यह रिपोर्ट देखिए। मैं आरएमएल के बाहर खड़ा हूं और आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये आरएमएल का इमरजेंसी गेट है और आपको एक अच्छी चीज दिखाता हूँ, अच्छी पहल है, आओ साथ चलें नाम की ये संस्था है जो यहाँ पर मरीज हैं या उनके अटेंडेंट हैं उनको खाना ये लोग बांट रहे हैं ताकि लोग जो भूखे हैं, जो परेशान हैं अपने परिजनों को लेकर इलाज करवाने के लिए आ रहे हैं या बाहर भी जो लोग वेट कर रहे हैं उनके लिए भी खाने की व्यवस्था ये संस्था कर रही है। ये आप देखिए उनके वॉलंटियर्स हैं, उनके कर्मचारी भी यहाँ पर मौजूद हैं और वो लगातार यहाँ पर काम कर रहे हैं ताकि लोग भूखे ना रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खाना मिल जाए, डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे, लोग भीड़ ना लगा पाए, उसके लिए टोकन सिस्टम किया गया है। आप देखिए तस्वीरों में ये टोकन है कि ये लोग खुद अंदर जाते हैं, लोगों को टोकन देकर आते हैं ताकि लोग टोकन लेकर आए। देखिए ये सामने जैसे ये बुजुर्ग भाई साहब हैं, ये टोकन दे रहे हैं और इनको यहाँ पर खाना दिया जा रहा है। जो मरीज तो एडमिट है उनके लिए भोजन की व्यवस्था तो होती है, जो मरीज के साथ होते हैं उनकी व्यवस्था कोई नहीं हो पाती। तो हम लोगों की पहल है कि जो मरीज के साथ हैं उनको एक खाने का टिप दे दें और हमारी वॉलंटियर है ये हॉस्पिटल में ओबीडी के पास एक केबिन बना रखे हैं हम लोग, जो मरीज आते हैं उनको एडमिट कराना, उनको स्ट्रेचर पे ले जाना, वो सारी व्यवस्था हमने कर रखी है। लोगों की जिंदगी खतरे में है, ऑक्सीजन नहीं है, बेड नहीं है, आईसीयू नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, तमाम ऐसी सुविधाएं जो लोगों को मिलनी चाहिए वो इस वक्त नहीं मिल पा रही है और ऐसे में अगर किसी को खाना मिल जाता है और ये जो संस्था है वो अगर किसी के लिए कुछ कर रही है तो ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छी पहल है। दिल्ली के आरएमएल अस्पताल से कैमरामैन सुभाषीष के साथ अभिषेक दुबे, जी मीडिया। दिल्ली के डीडीओ अस्पताल को कोविड अस्पताल घोषित किया गया और उस वजह से बाकी बीमारियों से ग्रसित लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मौके पर हमारे सहयोगी मनोहर वैष्णवी मौजूद थे, उन्होंने रिपोर्ट तैयार की, वो रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जिस तरीके से दिल्ली में कोरोना विकराल रूप लेकर के जिस तरीके से मरीजों की तादाद लगातार जो बढ़ रही है उसको देखते हुए हर हॉस्पिटल अलग अलग इंतजाम करते हुए नजर आए, लेकिन व्यवस्थाएं पर्याप्त नहीं है, माकूल नहीं है, कई अस्पतालों की स्थिति खराब है। हम यहाँ पर फिलहाल जो दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल के बाहर खड़े हैं, यहाँ पर कोरोना का पेशेंट के लिए ये केवल डेडिकेट कर दिया गया हॉस्पिटल है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि तस्वीरों में किस तरीके से अन्य जो दूसरे पेशेंट है उनके लिए यहाँ पर एक बिल्कुल परेशानी का सबब बना हुआ है और किस तरीके से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक महिला आपको देख पा रहे हैं तस्वीरों में, ये अपने बच्चे का पैर है जो टूटा हुआ उसको ठीक करवाने के लिए आ रही है, लेकिन यहाँ पर साफ तौर से ये जो यहाँ सिक्योरिटी है वो सब मना कर दे रहे हैं कि ये केवल कोविड के लिए डेडिकेटेड हॉस्पिटल है, यहाँ पर किसी तरीके से कोई दूसरी ओपीडी नहीं है। बच्चे का बाउंड्री भी हो गया, उस पर टूट गया, बच्चे का कोई कामयाब नहीं है, न दीनदयाल ले रहा है, न गुरु गोविंद ले रहा है, न एम्स ले रहा है, बच्चे के हम दिखाएंगे कहा। क्या कह रहे हॉस्पिटल वाले? हॉस्पिटल वाले बोल रहे हैं कि कोरोना वाला भर्ती है, कहा केजरीवाल सरकार सुविधा करा दिल्ली के लिए, सारा यहाँ बाउंड्री की कंपनी वंपनी सारा बंद करके सारा का बैठा दिया, दे रहा है पैसा सबके अकाउंट में खाए लगी, ये दे रहा है सुविधा कोई चीज के लिए, अन्य जो बीमारी है उनको लेकर के किस तरीके से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ये अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और जो दिल्ली प्रशासन जिस तरीके से जो एक दावा कर रहे हैं अपने तमाम जो मरीजों के लिए की सुविधाओं के लिए तो वो खोखले साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। सहयोगी लेखराज के साथ मनोहर विश्नोई, जी मीडिया, दिल्ली।